इस चैनल पे दोस्तों मैंने लैपटॉप्स के बारे में कई बार बात की है और मैकबुक के बारे में भी बात की है, और मैं पहले 2-3 साल पहले मैकबुक एयर ओन भी करता था। तो इसीलिए अब आप लोगों के लिए एक लैपटॉप का रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ, जो है मैकबुक एयर M2 जो 2022 का मॉडल है, और कैसा रहेगा वो आपके लिए 2023 और 24 के लिए, वो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के ये सवाल हैं कि क्या M2 आने की वजह से लैपटॉप अपग्रेड हुआ है, क्योंकि डिज़ाइन में काफ़ी चेंज आया है, अंदर परफॉर्मेंस में काफ़ी चेंज आया है, प्रोसेसर तो चेंज हो ही गया है, तो इससे उनके एक्सपीरियंस में और उनका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है एयर के साथ, क्योंकि देखो मैकबुक एयर लोग इसलिए लेते थे ना क्योंकि वो प्रो को अफोर्ड नहीं कर सकते थे या फिर प्रो पे इतना पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे, दोनों चीज़ें थी। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैकबुक एयर आया था, और मैकबुक एयर ने लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। और अब 2022 में चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज की गई हैं, उसके बारे में अभी वीडियो में बात भी करेंगे। तो आप लोगों के लिए कैसा ये होने वाला है M2, वो इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने एप्पल और विंडोज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात करूं अगर मैं डिज़ाइन के बारे में, तो आपको याद होगा कि जो पहले एप्पल एयर आता था, मैकबुक एयर आता था, उसमें यहाँ पे जो स्टार्टिंग है ना, ये पीछे वाला पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा होता था और आगे जाते जाते वो स्टीप हो जाता था, पतला सा हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा का पूरा बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको पूरा बराबर देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है, आगे मतलब आप ऐसे चारों तरफ आपको ऐसे बराबर सा देखने को मिलेगा। कंपेरेटिवली मैं बात करूँ तो मैकबुक एयर वाला जो M1 वाला था उससे मेरे को थोड़ा सा भारी सा लग रहा है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली काफ़ी हल्का है। इसका वेट लगभग 1230 ग्राम के आसपास का इसका वेट है, तो मतलब एक केजी के आसपास इसका वेट है, 1 केजी थोड़ा ऊपर। तो ये चीज़ है इसकी। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, और यहाँ पे टाइप सी के चार्जर मिल जाता है, मैकसेफ का ऑप्शन मिल जाता है चार्ज करने के लिए, आपको इसमें टाइप सी टू मैकसेफ का ऑप्शन मिलता है चार्ज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ये सब प्लेन है एकदम, जैसा कि नॉर्मली एप्पल के प्रोडक्ट्स में होता है कि वो फालतू की तामझाम वाली चीज़ें नहीं देते। अब जो मैकबुक्स जाने जाते हैं कि एक हाथ से खुल जाता है, अभी हम देखते हैं कि ये वाला वेरिएंट खुलता है या नहीं एक हाथ से। इसका कलर आप देख सकते हो, ये कलर के मामले में अपनी जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्लू का कोई शेड है, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा कलर है। अभी हम अगर इसको एक हाथ से खोलने की कोशिश करें तो ऐसे ज़मीन पे रखने पे तो एक हाथ से खुल जाएगा, लेकिन अभी ऐसे खुलने में थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था गिरे ना, ठीक है। तो लगभग एक हाथ से ये खुल जाता है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। और एक हाथ से देखिए मैंने ऐसे खोला, और उसमें आपको मैं बताता हूँ, बैकलाइट का ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे बैकलाइट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो भी आपके कीबोर्ड वगैरह है वो सब कीज़ बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे जब आप ट्रैक पैड यूज़ करोगे तो ट्रैक पैड भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, दबा के भी और नॉर्मल ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन मिल जाता है फिंगरप्रिंट का, जिसकी यूज़ करके आप अपना लैपटॉप को अनलॉक भी कर सकते हो, जो कि पहले नहीं आता था जब मेरे पास था, अभी ये तो दोस्त का है तो ये चीज़ कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको क्वाड स्पीकर्स मिल जाते हैं। अभी दोनों में अंतर क्या है, स्टीरियो स्पीकर क्या होता है, एक स्पीकर है एक लेफ्ट तरफ, एक स्पीकर राइट तरफ, स्टीरियो मतलब दो स्पीकर। यहाँ पे आपको क्वाड स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, जिससे आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। अगर मैं इसके वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो वीडियो क्वालिटी में इसमें आपको लगभग 2.5K का रिजोल्यूशन मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा अपग्रेड देखने को मिलता है। और यहाँ पे हाँ एक और चीज़ है जो मुझे आपको दिखानी थी, यहाँ पे अभी आप पता नहीं ऐसे देख के समझ पा रहे होंगे कि नहीं पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक नॉच देखने को मिलती है। और ये जो नॉच देखने को मिलती है वो इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि
यहाँ पे आपका कैमरा जो है वो 1080 पिक्सल का अपग्रेड किया गया है। तो जैसे फोन्स वगैरह में नॉच होती है वैसे यहाँ पे नॉच दी है, और बहुत अच्छा अपग्रेड है क्योंकि इसमें अगर आप वेबकैम यूज़ करते हो या जूम मीटिंग्स वगैरह कॉल वॉल अटेंड करते हो तो आपको बहुत एक अच्छा कैमरा की वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है सामने वाले का, आपका वीडियो क्वालिटी का, वो एक बेहतर ऑप्शन बेहतर चीज़ बन जाती है। तो इससे आपका क्या है ना कि जब आप मैंने आपको आईपैड में भी दिखाया था कि उन्होंने फ्रंट कैमरा पे थोड़ा काम वाम करना चालू किया है, तो उससे क्या है कि जब भी आप मीटिंग वगैरह में होते, क्योंकि नॉर्मली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं और जो भी इस टाइप के लोग होते हैं, जो मान लो एडिटर्स वगैरह हैं, वो सब यूज़ करते हैं, तो कभी मीटिंग वीटिंग हो गई तो उसके लिए आपका फ्रंट की फेसिंग कैमरा अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हो नॉर्मल जो लैपटॉप्स हैं जो बहुत पुअर क्वालिटी का कैमरा होता है, 2 मेगापिक्सल डाल देता है, तो यहाँ पे एक अच्छा आपको सपोर्ट देखने को मिला है। इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी आपकी लगभग 18 घंटा चल जाती है ऐसा क्लेम किया जाता है। और जो इसका मतलब इस एप्पल मैकबुक एयर M2 को ओन करता है उससे भी मैंने बात की तो वो भी कह रहा था कि हाँ इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है, मतलब 18 घंटे तो उसने ये चलाई है और बहुत अच्छी चल जाती है। आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हो तो हाँ थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपको बैटरी बैकअप इसका तो बहुत ही अच्छा देखना है, 12 से 18 घंटा आपको मिनिमम देखने को मिल जाएगा आप इसको। हाँ इसमें एक चीज़ और है कि इसमें अंदर फैन का सिस्टम नहीं है, तो आप इसको अगर लगातार 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 यूज़ करते हो मतलब हैवी सॉफ्टवेयर्स के साथ तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है कि भाई जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो हैंग नहीं करते हैं क्योंकि उनका ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा होता है। लेकिन हाँ एक लेवल तक अगर आप यूज़ करते हो तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हो तो दिक्कत आ सकती है, तो उन लोगों को थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं वो लोग। ये जो वर्ज़न है ये 8 GB RAM, नहीं सॉरी 16 GB RAM और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है शायद, तो ये ऑफ़र वगैरह मिला वाला कि 1,07,000 के आसपास कुछ पड़ा था, और बहुत अच्छा उसके बाद से एक्सपीरियंस रहा है। और इसमें आप बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो और ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक चीज़ तो ये आपको माननी पड़ेगी कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ा है, अभी तो 1,20,000 के आसपास तक पहुंच गया था, तो जो बैंक ऑफर्स होते हैं और जो भी सीजनल ऑफर्स मिलते हैं उन सब चीज़ों को लगाकर इसका रेट थोड़ा कम हुआ है, तो ये 1,07,000 फिर भी रीजनेबल है, लेकिन 1,20,000-22,000 जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो अगर आपको 1 लाख के आसपास मिलता है तो ये बहुत अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाता है, वरना अगर इतना महंगा मिलता है 20-20 तक मिलता है तो यार पहले तो प्रो वर्जन्स भी आपको इतने महंगे मिल जाते थे, तो उसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं होगी। अब मैं देख लेता हूँ अगर इसमें कुछ भूल गया हूँ बताना आपको, तो बैटरी के बारे में हमने बात कर ही ली, डिस्प्ले के बारे में बात कर ही ली, और इसकी कीबोर्ड्स के बारे में बात कर ली, इसके ट्रैक पैड के बारे में बात कर ली, तो लगभग मुझे लगता है ऑल इन ऑल हमने इसका पूरा एक तरह से सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है, कुछ छूटा नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई पॉइंट छूट गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को वहीं पे जवाब दे दूंगा, या फिर अगर ज़्यादा सवाल आते हैं तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, ये कहीं जाने वाला नहीं है, यहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, और ये वीडियो जिन भी लोगों तक आपको लगे यूज़फुल होगा उन तक इसको शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।